अब ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन लोग एन बेस टू वन अपॉन लोग एन बेस थ्री अपॉन लोग एन बेस फोर वन अपॉन लोग एन बेस ट्वेंटी ट्वेंटी बेस ट्वेंटी ट्वेंटी कहीं तक भी रख दो मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी तक रख दिया ये कभी आईटी में क्वेश्चन भी आता तो उन्होंने एन एन तक ही रखा हुआ था वो एन तक गए थे हमने ट्वेंटी ट्वेंटी तक रख दिया जी मेल में फोर्टी सेवन तक रखा हुआ था यहां पे, तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे चेंज होके अब ये क्वेश्चन आ गया अब इसे देख के देखो ना इसकी लेंथ काफी है जब बड़ा क्वेश्चन बच्चों को दिखाई देता है तो उसे लगता है इसे छोड़ के हम दूसरे पेज पे चले बट ऐसा नहीं है इसे तुम ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन है मेरा पूरा पूरा इसका अगर हमने एल्शियम लिया तो पूरे मेरिट में इसका एल्शियम दिखाई देगा ले लो इसका एल्शियम ये कैंसिल आउट होगा तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे टू जीरो वन नाइन नेक्स्ट वाले में टू जीरो वन नाइन इतनी टर्म्स हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे तो हम फंस जाएंगे क्वेश्चन के अंदर एल्शियम इसका हम नहीं ले सकते एक बात हमें क्लियर हो गई अब क्या करना होगा मुझे इसका अब इसका बेस डिफरेंट है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू टू जीरो टू जीरो, जीरो ये इसका बेस है अब मैं बेस को क्या चाहूंगा बेस को इक्वल करना चाहूंगा जब तक बेस इक्वल नहीं होगा इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता मैंने क्या बताया था कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे किसी भी टाइप का मुश्किल आसान कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बेस को फोकस करना है अब बेस को इक्वल बनाएंगे तो फिर कोई फॉर्मूला यहां पर यूज हो सकता है अब आइए इसके सोल्यूशन प्रोसेस में क्या होगा ये एफ एक्स इक्वल टू ये कोई फंक्शन है मेरा अब इसे ऊपर ले जा सकता हूं मैं फॉर्मूला तुम्हें बताया था लोग टू बेस एन ये क्या होगा लोग थ्री बेस एन लोग फोर बेस एन अब बेस इक्वल दिख रहा क्या लोग टू जीरो टू जीरो ट्वेंटी ट्वेंटी बेस एन मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया देखो ये लिखा हुआ है पीछे तुम पढ़ सकते हो लोगे बेस बी इक्वल टू वन अपोन लोग बी बेस ए जब लेफ्ट साइड राइट के इक्वल हो सकती है तो राइट लेफ्ट के इक्वल आ जाएगी हमारे पास क्या रखा हुआ है वन अपॉन लोग बी बेस है क्या रखा हमारे पास वन अपॉन लोग बी बेस है ये हमारे पास है और इसको हमें ऐसे बनाना है ए बेस ही बनाना है अब मैंने बताया था अगर सिंपल एलजेब्रा की इक्वेशन है एक्स को हम वन बाई एक्स लिखेंगे तो पावर माइनस वन लेनी पड़ेगी मुझे पावर न्यूमरेटर से डिनोमेटर में जाती है वो चेंज हो जाती है और डिनोमेटर न्यूमरेटर में आती है तो भी साइन चेंज होता है पावर का ये बात तुम जानते हो अच्छी तरह से तुम्हें पता है ये तुमने एट्थ में नाइन्थ में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है कि पावर ऊपर से नीचे आएगी तो ये माइनस होगा ऊपर जाएगी तो ये प्लस होगा देख लो कितना इंपॉर्टेंट है वो वाली क्लास सोचो अब फिर यहाँ पर क्या है अब ये चीज़ है तो मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ ये बात हम समझ गए अब यहाँ से अब तुम्हें दिख रहा होगा अब बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें अब फॉर्मुला एप्लीकेबल है कि नहीं है लॉग एम एन वाला जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था उसका ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन वाला पार्ट लिखा था तो वही तो एप्लीकेबल है यहाँ पे ये क्या आएगा मेरा लॉग बेस एन ब्रैकेट टू इंटू थ्री इंटू फोर टिल टू जीरो टू जीरो टिल टू जीरो टू जीरो बताओ समझे ना इसका आंसर उन्होंने दे रखा है फैक्टोरियल में तो तुम यहाँ पे वन अपने आप से इंटू कर सकते हो इसके अंदर वन इंटू करोगे तो कोई फर्क पड़ता है ना वन तो तुम्हारे साथ भी इंटू है वन को तुम कहीं पे भी इंटू कर सकते हो टू थ्री फोर तो इससे वैल्यू चेंज नहीं होती ओके okay? अब ये क्या होगा हमारा ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया ये क्या होगा ट्वेंटी ट्वेंटी फैक्टोरियल और बेस एन तो आंसर विल भी आंसर उन्होंने इसी सेंस में दिया था ये क्या होगा लोग एन ट्वेंटी ट्वेंटी फैक्टोरियल दिस इज द राइट आंसर ये क्या होगा ये इसका आंसर होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिंपल तो है बट इंपोर्टेंट भी है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला क्या करना है हमें बेस को फोकस करना है अगर बेस हमारा इक्वल हो जाता है बेस हमारा इक्वल हो जाता है तो फिर कोई फॉर्मूला लगाने के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती देखो मैंने वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही मैंने यूज़ किया और ये वैल्यू इसकी फटाफट से आ गई फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोल तो मैं अच्छा अच्छी तरह पता होता है पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है सारे बच्चे जानते हैं फैक्टोरियल मुझे कुछ फैक्टोरियल कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होती ये तुम जानते हो जैसे टू फैक्टोरियल ये साइन है फैक्टोरियल का ये वाला या फिर ये वाला है दो साइन फैक्टोरियल के होते हैं इसे लिख सकते हो टू इंटू वन ये होता है थ्री फैक्टोरियल रीड एज थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू, इंटू वन सारी बात जानते हो तुम फिर क्या होगा एन फैक्टोरियल इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक एक माइनस करके या उल्टी साइड से भी लिख सकते हैं हम इसको देखो जैसे मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है वन टू थ्री कब तक एन तक इसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं सारे बच्चों को पता है इसका अच्छी तरह सारे बच्चे जानते हैं सर ये क्या होगा हमारा फैक्टोरियल होगा अब मैं इसे रफ कर रहा हूं यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूं अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा पूरी तरह से खत्म ये अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लोक बेस सेवन बेस सेवन इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन बोल दो या कुछ और बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी तुम इसे यूज कर सकते हो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू इसकी वैल्यू मुझे चाहिए द वैल्यू ऑफ लोग जो एंगल होगा उसके अंदर क्या है रूट सेवन फिर रूट सेवन फिर रूट सेवन अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है अब इसका सोल्यूशन प्रोसेस यहां पर देखो लोग बेस सेवन फिर लोग बेस सेवन फिर रूट के अंदर सेवन फिर रूट सेवन फिर रूट सेवन इस तरह की सीरीज है इस सीरीज को हम और भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसा नहीं है इसका और भी आ, आगे तक जा सकते हैं हम इसको और आगे तक ले जाएं तब भी इसका आंसर आएगा तो यहां तक हम ठीक है ना यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए अब देखो मुझे क्या करना है सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड करना शुरू करूंगा राइट टू तो लेफ्ट आएंगे हम हम राइट टू लेफ्ट आएंगे अब राइट टू लेफ्ट आने के लिए मुझे क्या करना होगा लोक बेस सेवन लोक बेस सेवन देखो ना ये एक अंडर रूट के अंदर है इसकी पावर वन बाई टू ये दो अंडर रूट के अंदर है तो वन बाई फोर ये तीन अंडर रूट के अंदर है तो वन बाई एट इस तरह से एड ऑन हो गया ये तो बताओ रेडिकल साइन सभी बच्चे जानते हैं एन एक्स ये क्या होगा एक्स टू दावर वन बाई एन ये तो होता है रेडिकल साइन बोलते हैं इसे <coughs> ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं इंपोर्टेंट चीज इंपोर्टेंट चीज और फिर यहां पर क्या होगा अब इसे क्या कर लेते हैं हम अब ये सारा ऐड कर दो तुम बस फटाफट अब आंसर दिखने वाला हो गया सेवन ये क्या होगा सेवन सेवन टू पावर वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई एट ये चीज आ गई फिर ये क्या होगा मेरा लॉग सेवन फिर ये log सेवन अब सेवन टू पावर एट यहां से आ जाएगा फोर ये टू सिक्स और एक सेवन ये बना मेरा सेवन बाई एट देख लो एल्शियम लेके इसका एट एल्शियम आ जाएगा यहां फोर आएगा फिर यहां पर टू आएगा सिक्स आ गया और वन यहां से आएगा सेवन बाई एट आ गया थोड़ा ऊपर चलता हूं मैं अब देखिए log बेस सेवन ये वाला ब्रैकेट तो इससे पहला आ जाएगा सेवन बाई एट लोग सेवन बेस सेवन अभी फॉर्मूला बताया था लोक और बेस जब इक्वल हो जाते हैं तो आंसर विल बी वन उसकी वैल्यू क्या आती है हमारी जब दोनों सेम हो जाते हैं तो आंसर वन आता है अब इसकी वैल्यू तो हो जाएगी वन तो क्या मिल रहा है मुझे सेवन और ये होगा सेवन बाई एट अब जहां तक मैक्सिमम सोल हो सकता है वहां तक हम जाते हैं अभी ये और सोल हो सकता है यहां तक आंसर उन्होंने साथ दिया नहीं होगा जहां तक ये मैक्सिमम सोल हो सकता है हमें वहां तक जाना चाहिए लोग सेवन बेस सेवन माइनस लोग एट बेस सेवन कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने लोग एम बाई एन सेकेंड फॉर्मूला लोग एम बाई एन लॉग एम माइनस लॉग एन अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस लॉग यह और भी सोल हो सकता है टू द पावर थ्री बेस सेवन वन माइनस थ्री लोग टू बेस सेवन यहां से आगे सोल होने वाला नहीं है ये इसका आंसर होगा वन माइनस थ्री लोग टू बेस सेवन यहां से आगे सोल नहीं होगा तो मैं वहाँ तक जाना होता है बाकी डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव में उन्होंने आंसर क्या दिया सपोज आंसर ने यहीं पर छोड़ रखा है ये ये वाला तो यहीं पर आंसर रख सकते हो या उन्होंने ये वाला दे दिया तो ये वाला रख सकते हो तो वहाँ पर आंसर मैच करना होता है तो जहाँ तक उन्होंने ऑप्शन दिया होगा उस ऑप्शन को देख के वहाँ तक क्वेश्चन को रख लेते हैं अब मुझे लग रहा है ये बात अच्छी तरह से हमें समझ आ गई इंपोर्टेंट एकदम से है अब मैं इसको भी यहाँ से हटाऊंगा अब हम कहाँ चल रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अच्छा इससे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये पूरा पूरा क्वेश्चन तो पूरा क्लियर तुम्हारा हो ही गया होगा अब मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं ये इसका आंसर अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए ये और अच्छा क्वेश्चन है ये बाकी एग्जाम में आता रहता है आई टी 2004 ने पूछा था इसको आई टी एडवांस में द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन द नंबर ऑफ सोल्यूशन द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या इक्वेशन है जी हमारी बेस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू लोग एक्स माइनस थ्री बेस टू क्या क्वेश्चन है लॉग एक्स माइनस वन बेस फोर इक्वल टू लोग एक्स माइनस थ्री बेस टू बेस टू आई डी टू थाउजेंड फोर का क्वेश्चन ये बहुत सारे एग्जाम में इधर उधर क्वेश्चन घूमता रहता है आता रहता है इसके जो ऑप्शन हैं एक बार मैं ऑप्शन डाल देता हूं ए बी सी एंड डी वन टू थ्री एंड फोर देर आर फोर ऑप्शन ये इसके चार ऑप्शन है वन टू थ्री फोर देखो ना ये एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है पूछ रहा था नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द एक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स की कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं <coughs> <coughs> एक्स की कितनी वैल्यू ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द एक्स दो वैल्यू होंगी एक्स की सपोज एक वैल्यू फाइव आ गई एक सेवन आ गई तो आंसर क्या होगा टू सपोज करो एक्स की थ्री वैल्यूज आ गई वन थ्री नाइन तो आंसर क्या होगा आंसर विल बी थ्री आंसर थ्री होगा इस तरह से पूछ रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम है क्वेश्चन आई का है जीमेन का है यू का किसी भी छोटे एग्जाम का है एनडीए का है किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन है बट सबसे पहला क्या करना होगा उसके बेस को इक्वल करना होगा जब तक बेस इक्वल नहीं होगा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता बताए यहां तक बात समझ आ रही ना मैं अब अब तक मैं ऐसे क्वेश्चन सारे बताए तुम्हें बेस इक्वल करने की बार बार जरूरत पड़ी है अब ये वाला क्वेश्चन आ गया तो यहां भी हमें बेस को इक्वल करने की जरूरत होगी ओके राइट है भाई अब देखे यहां पे ध्यान से अब लॉग टू दावर दा टू एक्स माइनस वन ये क्या होगा लॉग बेस टू एक्स माइनस थ्री अब बेस की पावर कहां जाती है वन अपोन में जाएगी फॉर्मूला बताया था लोग एम बेस बी टू द पावर पी वन बाई पी लॉग एम बेस बी जो बेस की पावर होती है वो वन अपोन में आती है अब यहां पर क्या होगा ये रखा मेरा वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बेस टू इक्वल टू लॉग एक्स माइनस थ्री बेस टू अब ये इसे तुम टू को यहां पे ले जा सकते हो या इसकी पावर पे ले जाओ क्यों अभी तो लोग एलिमेटिंग फॉर्मूला नहीं लगेगा ना एक्स माइनस वन वन बाई टू ये देखिए सेकंड फॉर्मूला सॉरी थर्ड एम टू द पावर एन वाला ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है एम टू द पावर एन बेस बी क्या होगा एन लो एम बेस बी मेरा पूरा इंश्योरेंस दिया हुआ है जितने फॉर्मूले मैंने बताया उससे अलग एक भी यूज होगा तो बता देना तभी तो लिख देना चैट पे कि इससे अलग एक फॉर्मूला यूज हो रहा बट तुम्हारा काम क्या है तुम्हारा ये काम है जितने मैंने फॉर्मूले बताए फोर्टीन फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो सारे के सारे लर्न होने चाहिए और फिर कोई भी बुक उठा के बैठ जाना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तो मुश्किल से मुश्किल लगती है आई टी के तो सारे क्वेश्चन ऐसे जाएंगे कंसेप्ट सारे वही होंगे सोल्यूशन प्रोसेस जिस बच्चे कैलकुलेशन अच्छी होती है उसे सारे क्वेश्चन सिंपल लगते हैं जिनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉग नहीं है वो बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अपने आप से कैलकुलेशन स्ट्रॉग हो जाएगी फिर देखना क्वेश्चन कैसे निकलते हैं तो कैलकुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अब यहाँ पे बेस क्या होगा टू होगा और ये क्या होगा x माइनस थ्री बेस टू अब फिर मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था लोग एलिमिनेटिंग फार्मूला यहां से हम लोग को एलिमिनेट कर सकते हैं लोग एलिमिनेटिंग फॉर्मूला दोनों का बेस टू है तो लो कंपेयर हो जाएगा कंपेयर कैसे होगा ये होगा x माइनस वन होल पावर वन बाई टू एक्स माइनस थ्री अब मुझे क्या करना स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अब दोनों तरफ इसका स्क्वायरिंग कर दो क्या करना है मुझे इसका स्क्वायरिंग करना है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एक्स माइनस क्यों यहाँ पर अंडर रूट आ गया यहाँ पर एक्स माइनस थ्री आ गया ऐसा हम क्यों कर रहे हैं एक तरफ अंडर रूट आ गया एक तरफ एक्स माइनस थ्री आ गया तो प्रॉब्लम है साइड्स दट विल बी एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स अब यहाँ पर आ जाइए अब देखो फटाफट क्या करना है मुझे ये होगा एक्स स्क्वायर ये एक्स इस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस सेवन एक्स ये वन इस तरफ इसको जाके बना देगा टेन इक्वल टू जीरो इसके फैक्टर बना दो एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू टू और एक्स की वैल्यू फाइव दो वैल्यू आ गई तो अब आंसर क्या बोलोगे आर टू वैल्यूज आर देर यहाँ पर दो वैल्यू आ गई तो आंसर क्या कहोगे आंसर क्या बोलोगे टू बट इसका टू आंसर नहीं है आंसर टू बोलोगे बट आंसर टू नहीं है अब देखिए आंसर टू क्यों नहीं है अब मैंने तुम्हें क्या बताया था इसकी डेफिनेशन जो लोग की जो डेफिनेशन होती है लोग्रे की एक बार मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ ये मैंने कट कर दिया अब डेफिनेशन मैंने तुम्हें यह बताई थी डेफिनेशन ऑफ द लोगर थीम लोग ए बेस बी कब डिफाइन define होगा डिफाइंड फोर ए बी ग्रेटर देन जीरो बी सुटबी कर देन जीरो बी नॉट इक्वल टू वन ओके अब तुम यहां पर टू को पकड़ दो टू तुम यहां रखो तो यह सेटिस्फाई करेगा टू माइनस वन आ जाएगा तो वन आ गया वन पॉजिटिव नंबर है बट टू को यहां पर रखना टू माइनस थ्री माइनस वन आ गया टू पे यह डिफाइन नहीं है जब तुम x माइनस थ्री के अंदर टू माइनस थ्री करोगे माइनस वन आ गया लेस देन जीरो आ गया ये क्या होना चाहिए x माइनस थ्री जीरो से बड़ा होना चाहिए तो लेस देन जीरो आ गया तो टू आंसर नहीं होगा तो टू आंसर नहीं है ये टू आंसर नहीं हो सकता अब कौन सा आंसर होगा अब तुम यहां फाइव रख दो जब तुम यहां पर फाइव रखोगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे देखो जब वैल्यू क्या रखोगे तुम फाइव x माइनस वन भी क्या होगा ये भी पॉजिटिव होगा किस पे? एट एक्स इक्वल टू फाइव पे एक्स माइनस टू फाइव पे दोनों की वैल्यू जीरो से बढ़ी आएंगी तो ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा तो x ओनली वन सोल्यूशन तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स की दो वैल्यू आई है अच्छी खासी अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे चेक ना करें सपोज इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको चेक ना करें जब इसको हम चेक नहीं करने के तो फिर क्या होगा तो दो आंसर ये रखा टू तो टू भी तो लग जाएगा ना पता चला निगेटिव हो गया वहाँ जो पॉजिटिव होना था वो निगेटिव हो गया इसलिए मार्क्स कम आते हैं तो एक एक पॉइंट को ध्यान से तुम्हें देखना है ट्वेल्थ का एग्जाम नहीं है ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में दोनों ही सही होंगे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में अंदर की बात कोई नहीं पूछता वो सिंपल सोल्व कराएंगे जो एक्स की वैल्यू आएगी वही है भाई कुछ भी आ जाए बस वो आंसर ठीक है तुम्हारा एक बार आ तो जाए तो वही आंसर ठीक है यहां पर क्या प्रॉब्लम होगी जो आंसर आएगा उसे चेक करना पड़ेगा वो सही है या गलत है उसे देखना पड़ेगा उसे चेक करना पड़ेगा तब इसका आंसर होगा तो मैंने इतने क्वेश्चन तुम आज कराए इतने क्वेश्चन अभी और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अभी पूरे नहीं हुए अभी मुझे बहुत क्वेश्चन कराने हैं इसके जब जाकर तुम्हारा हाथ को साफ होगा अब मैं तुम्हें एक अच्छा सा होमवर्क दे देता हूँ ये तुम करोगे और उसे करने के बाद तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूं क्वेश्चन स्लाइड टू क्लियर पेज अब ये क्वेश्चन देखिएगा ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्स प्लस लॉग बेस थ्री बाई टू वन अपॉन थ्री रूट टू इसके बाद एक अंडर रूट लगा लो अच्छे साइज का ये क्या होगा फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू फिर यहाँ पे अंडर रूट फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू फिर अंडर रूट लगा दो फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू डोट डोट इन फाइनाइट यह क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ देश वन इसकी वैल्यू क्या होगी क्या क्वेश्चन आई द वैल्यू ऑफ सिक्स प्लस कैसे रीड करोगे लोग बेस थ्री बाई टू बेस क्या है इसका थ्री बाई टू है फिर ब्रेगिड स्टार्ट वन अपॉन थ्री रूट टू यह अंडर रूड से पहले है वन अपॉन थ्री रूट टू यह अंडर रूट से पहले रखा हुआ है फिर क्या होगा हमारा अंडर रूट फोर माइनस वन अपॉइंट थ्री रोड टू यहां पर ब्रैकेट नहीं है नहीं तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी फिर एक और अंडर रूट आ गया फोर माइनस वन अपॉइंट थ्री रोड टू फिर एक और अंडर रूट आ गया फोर माइनस वन अपॉइंट थ्री रोड टू एंड सोन अप टू इन फाइनाइट तो इसकी वैल्यू क्या होगी द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं वो क्या वैल्यू इसकी होगी इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू हमें बतानी है एक बार इसे जरूर करके देखना आई टी एडवांस का क्वेश्चन है दिस वाइज द क्वेश्चन ऑफ आई एडवांस में इसका तुम्हें ईयर नहीं बता रहा ईयर बताऊंगा तो बुक में यही निकाल लेंगे ढूंढ के इसी को ढूंढ के निकाल लोगे और फिर इसका सोल्यूशन देख के इसे तुम लपेट दोगे तो मेरा मतलब ये है कि एग्जाम जब तुम दोगे तो वहाँ पे सोल्यूशन नहीं आते विदाउट सोल्यूशन तुम्हारा क्वेश्चन ठीक होना चाहिए नहीं होगा तो मैं इसे कल कराता हूँ कल में से फिर भी कराऊंगा सारे बच्चे कई बार नहीं कर पाते क्वेश्चन को तो जिसने कर लिया वो ठीक है जो नहीं कर पाएगा उसको फिर मैं बताऊँगा ओके बेटा तो यहाँ तक रख रहे हैं और यहाँ से टू बी